अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स है। लास्ट वीडियो में मैंने तीन सेल ऑर्गेनल कवर किए थे, जिसमें पहला था एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो जाके मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज जो रिमेनिंग फोर सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है पाया जाता है हायर प्लांट्स के, हायर प्लांट्स में मौजूद होता है प्लास्टिड, उनके सेल्स में मौजूद होता है। और ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट मौजूद होते हैं। और प्लास्टिड जो है तीन किस्म का होता है, और उसकी पिगमेंट्स और कलर की बुनियाद पे इसको तीन उसमें डिवाइड किया गया है। तीन किस्म के प्लास्टिड मौजूद होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट्स को, इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये पाया जाता है लीव्स में और अदर ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, उसमें मौजूद होता है। सही है। और ये मैन्युफैक्चर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है। उसके बाद जो दूसरा प्लास्टिड मौजूद है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर पिगमेंट होता है, इसके अंदर कलर पिगमेंट मौजूद होते हैं। और ये जो है ग्रीन के अलावा अलग जो दूसरे कलर होते हैं वो पिगमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये पाया जाता है फ्रूट्स, फ्लावर, पेटल्स और जो दूसरे कलर्ड पार्ट हैं प्लांट्स के अंदर मौजूद, उनके अंदर ये प्लास्टिड मौजूद होता है। उसके अलावा जो तीसरा प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट, और ये कलरलेस होता है और उन सेल्स में मौजूद होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद होते हैं प्लांट के। सही है। और ये स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सही। तो ये प्लास्टिड है और ये इसकी तीन टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो सेल ऑर्गेनल बुक में मौजूद है वो है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है एनिमल सेल में। और जो एक सेंट्रोसोम है वो कंटेन करता है टू सेंट्रियोल्स। सही। दो सेंट्रियोल पे मुश्तमिल होता है एक सेंट्रोसोम। और जो एक हर एक जो सेंट्रियोल है वो कंसिस्ट होता है रो ऑफ माइक्रोटोब्यूल्स, यानी कि जो एक सेंट्रियोल है वो उसमें रो ऑफ माइक्रोटोब्यूल्स, माइक्रोटोब्यूल्स की एक रो मौजूद होती है। कैसे मौजूद होती है? एक सिलेंड्रिकल अरे होता है, यानी कि एक लाइन होती है सिलेंड्रिकल। तो उस सूरत में ये माइक्रोटोब्यूल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है सेंट्रोसोम का? इसका फंक्शन जो है ये फॉर्म करता है फाइब्रस प्रोटीन स्पेंडल्स को, जो कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में मदद करते हैं टूवर्ड्स दी पोल। जब क्या कहते हैं एनिमल सेल की सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस वक्त जो है क्रोमोसोम को टूवर्ड्स दी पोल मूवमेंट में सेंट्रोसोम मदद करता है। तो ये दो सेल ऑर्गेनल हो गए। तीसरा जो सेल ऑर्गेनल है डर होता है राइबोसोम, और विच आर रिच इन राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मौजूद होता है, कंसिस्ट होता है ये राइबोसोम आरएनए पे। और ये पाया जाता है फ्रीली मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसी तरीके से ये अटैच भी होता है सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होता है उसकी सरफेस पे, ये अटैच भी होता है, चिपका हुआ भी मिलता है। सही है। राइबोसोम और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये एक साइट की तौर पे सर्व करता है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इसी वजह से इसको सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस इसी जगह पर होता है राइबोसोम में। उसके बाद जो चौथा वैक्यूल चौथा सेल ऑर्गेनल मौजूद है वो है वैक्यूल। ये है, ये वैक्यूल क्या होता है कि ये फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, यानी एक थैला सा होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। और ये सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के आसपास मौजूद होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एनिमल सेल में जो है ये बेशुमार मौजूद होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और टेम्प्ररी होते हैं। इसके बरक्स जो है प्लांट सेल में, प्लांट सेल के अंदर ये परमानेंट होते हैं और वेरी लार्ज इन साइज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं और प्लांट सेल में ये लार्ज साइज में मौजूद होते हैं। पर प्लांट सेल के अंदर ये एक या चन की तादाद में मौजूद होते हैं। सही। इसका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का? वैक्यूल का फंक्शन जो है या उसका जो मेन कंसर्न है वो है स्टोरेज ऑफ सेल सैप।
तो ये सेल से आपके स्टोरेज में मदद करता है। ये मैंने आज 4 सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो जितने भी 8 सेल ऑर्गेनेल थे वो मौजूद थे, जो 7 सेल ऑर्गेनेल मौजूद थे वो कवर कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे इस चैनल को डिजिटल पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को, ये जो वीडियो है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो अपने क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।